खोल गई पाखंडी बाबा की कुंडली, आठ रस के बाबा का कच्चा चिट्ठा हम आपको बताएंगे। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन हाथरस में हुए कांड का बाबा कहां है पुलिस को पता ही नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि मुख्य आयोजकों पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अब भी फरार है। मैनपुरी में अपना मायावी लोक बनाने वाला बाबा पुलिस के शिकंजे से अब भी दूर है, लेकिन उसके आश्रम की चमक धमक और भक्तों के बीच उसकी धाक बता रही है कि बाबा का रौला किस कदर था। पाखंडी बाबा को लेकर जो जो जानकारी सामने आ रही है वो हर किसी को बार बार चौंका रही है। मैनपुरी के जिस आश्रम में बाबा रहता था वहां ऐसी किलेबंदी की गई कि बाहर का कोई भी शख्स भीतर झांक तक नहीं सकता था। 10 से 12 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल से आश्रम घिरा हुआ है। 21 एकड़ के आश्रम में बाबा खुद 6 कमरों में रहता था और बाकी सेवादारों के लिए भी उसने जगह दे रखी थी। बाबा जब अपने आलिशान कमरों से बाहर निकलता तो आश्रम परिसर में घूमता और भक्त उसके आने से पहले ही पूरे रास्ते में फूल बिछा कर रखा करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैनपुरी में ही बाबा का आश्रम है। कई जगहों से जानकारी आ रही है कि बाबा ने यहां यहां अपना ठिकाना बना रखा है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नोएडा में भी बाबा ने अपना एक आश्रम बना रखा है, जिसकी जांच करने पर यह भी पता चला कि यह पूरा आश्रम अवैध है। अब नोएडा अथॉरिटी इस आश्रम पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। सूरजपाल जाटा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। अलग अलग राज्यों में इस बाबा के करीब 80 आश्रम हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा के आश्रम का पता चल गया। ग्वालियर के तिगरा रोड पर झंडा कपुरा गांव के हरि विहार में बाबा का आलीशान आश्रम, यहां पर बाबा अक्सर आता रहता था। हालांकि जब पुलिस इस आश्रम की जानकारी मिलने पर यहां पर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ पाया गया। खास बात यह आपको यह भी बताएं कि हाथरस में ही इतनी बड़ी घटना सामने आई, उसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाली एक महिला भी जख्मी हुई थी, जो यहां पर बाबा का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। ये तो पहले से ही पता चल चुका है कि बाबा इतना रंगीन मिजाज है कि वो सत्संग में कोई धार्मिक चोला नहीं ओढ़ता था, बल्कि सूट बूट और टाई के साथ ही गॉगल्स लगाकर लोगों को प्रवचन दिया करता था। और इसी प्रवचन को सुनने के बाद भीड़ उसकी चरण रज के लिए पागल हो जाती थी। हादसे वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाबा फिर भी लोगों को मरता हुआ छोड़कर अपने काफिले के साथ वहां से मैनपुरी के आश्रम चला गया। बाबा के बारे में अब ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो न केवल चौंका रही हैं बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि बाबा अपने खुद की एक फौज रखता था जो 24 घंटे उसकी सुरक्षा करती थी। बाकायदा इनके नाम का एक कोड भी हुआ करता था और ड्रेस भी, ताकि ये पता लग सके कि कौन किस ड्यूटी में तैनात है, किस टुकड़ी का हिस्सा है। यानी कि बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी। इसमें महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी रहती थी। ड्रेस कोड की बात कर लें तो काले कपड़ों में मौजूद लोग किसी ब्लैक कैट कमांडो के मानिंद दिखते थे, जिन्हें गरुण योद्धा कहा जाता था। यह 20-20 की टुकड़ी में रहते हैं। इसके अलावा एक नारायणी सेना नाम की भी टुकड़ी बनाई गई, जिसमें 50-50 की संख्या में लोग होते जो गुलाबी ड्रेस में रहते। टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले हरिवार टुकड़ी के हिस्सा होते, जो 25-25 की टुकड़ी में रहते। इतना ही नहीं, बाबा की कुंडली का पॉलिटिकल कनेक्शन भी खुलकर सामने आ गया है। जाहिर है जिसके इतने फॉलोअर्स हों वो राजनीतिक दलों की पहली पसंद बन जाता है। दूसरी तरफ अपने काम निकलवाने के लिए ऐसे बाबा भी कनेक्शन बनाने में देर नहीं लगाते। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की बात करें तो बाबा का आश्रम मैनपुरी में है, जो सीधा कनेक्शन किस दल से है ये तो सभी को पता है। अखिलेश यादव की बात करें तो इसका बाबा से पुराना नाता इनका भी रहा है। बीते साल जनवरी में बाबा के सत्संग में अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे और इसके बाद उन्होंने बाकायदा पोस्ट करते हुए एक्स पर लिख दिया था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाचव को एक जानकारी ये भी उसकी मिल रही है कि रेप का मामला दर्ज होने के बाद इसे नौकरी से बर्खास्त किया गया था और फिर इसने जेल से बाहर आकर बाबागिरी की दुनिया में कदम रख लिया। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली एक और जानकारी ये भी आ रही है कि राजस्थान के दौसा में बाबा ने अपना आश्रम बना रखा था और पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के घर पर वो दरबार लगाता और महीने में करीब 4 बार यहां पर आता। यह भी पता चला कि बाबा के दरबार में महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा होती। छानबीन हुई तो महिलाओं के कुछ आधार कार्ड और कागजात मिले। दरबार इतना गोपनीय होता कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां हुई बातों को नहीं जान पाता। इस बात की पुष्टि यूपी पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि बाबा अपने प्रवचन को रिकॉर्ड नहीं करने देता था। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई। बाबा की तरफ से यह बयान सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील एपी सिंह के हवाले से दिया गया, जिसमें बाबा की तरफ से कहा गया कि हाथरस हादसे में मृतक परिवारों के प्रति हम संवेदना जताते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनका यह भी कहना रहा कि भगदड़ के जिम्मेदार कुछ असामाजिक तत्व हैं। हालांकि बाबा कहां हैं इसके बारे में अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ हादसे के बाद दर्ज हुई एफआईआर में भी बाबा का नाम नहीं होना आम लोगों के मन में सवाल तो उठाता ही है।